बिग बॉस OTT सीजन 2 इस समय मोस्ट अवेटेड शो है। ये रियलिटी शो एक साल के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कमबैक कर रहा है। इससे पहले का जो सीजन था वो साल 2021 में ऑन एयर हुआ था, और इससे पहले जो सीजन था उस सीजन को करण जौहर ने होस्ट किया था। वहीं बात कीजिए अगर बिग बॉस OTT सीजन 2 की, तो इस बार ये जो शो है वो सलमान खान होस्ट करेंगे। ऐसे में इस शो को लेकर के फैंस में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट भी देखा जा रहा है, और वो भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, हाल ही में बिग बॉस OTT सीजन 2 का जो प्रोमो है वो रिलीज किया गया था, और मेकर्स ने बिग बॉस OTT सीजन 2 के कंटेस्टेंट की कंफर्म जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। तो चलिए आज जानते हैं इस बार के शो में कितने सेलेब्स धमाल मचाते नजर आएंगे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आ रहा है अविनाश सचदेवा का। जी हाँ, छोटी बहू फेम अविनाश सचदेव सबसे पहले कंफर्म कंटेस्टेंट हैं। अपने इंट्रो सीन में वो कह रहे हैं कि लड़कियां मेरी लाइफ में आ गई और आ ही गई, और प्यार में मेरा जो हाल है वो बेहाल है। इसके बाद दूसरा नाम है आकांक्षा पुरी का। ई टाइम्स टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक आकांक्षा पुरी भी बिग बॉस OTT 2 में नजर आने वाली हैं। आकांक्षा विघ्नहर्ता गणेश, कैलेंडर गर्ल्स और मीका पिवोटी इस तरह के प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रह चुकी है। आलिया सिद्दीकी, आलिया भी इस सीजन की कंफर्म कंटेस्टेंट्स में से एक है। इंट्रो में आलिया कहती हैं कि मेरी पहचान हमेशा से एक स्टार वाइफ होने की रही है। जब आपके रिश्ते में कोई दरार आ जाती है या फिर आपके रिश्ते में कोई सम्मान नहीं होता तो वो रिश्ता जो है वो कमजोर हो जाता है। और वो कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि मैंने पिछले 19 साल किन मुश्किलों में गुजारे हैं। जब भीतर कोई सुनने वाला ना हो तो बाहर चिल्लाते हो आप, और मैंने भी फिर वैसा ही किया। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी की सभी परेशानियों को अब खत्म करना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं बिग बॉस में हूँ। देविका ओबेरॉय, देविका डेली सोप भाग्य लक्ष्मी में देविका ओबेरॉय के रूप में ही नजर आते हैं। इंट्रो में उन्हें एक ज्योतिषी से सलाह लेने के बाद फैसला लेते हुए दिखाया गया है। फलक नाज, ससुराल सिमर का देवों के देव महादेव, राधा कृष्ण और कई अन्य शोज कर चुकी हैं फलक नाज। फलक नाज इस सीजन में नजर आएंगी, और प्रोमो में वो अपने भाई के लिए लड़ने की बात कह रही हैं। वो कहती हैं कि आप सभी मुझे बहन के तौर पर ही जानते हैं जो अपने भाई के लिए लड़ी। मुझे नाज है खुद पर, और मेरे लिए मेरा परिवार पहले आता है। जिया शंकर, जिया शंकर भी बिग बॉस OTT 2 की कंटेस्टेंट बन चुकी हैं। प्रोमो में वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि मेरे लिए कुछ भी ग्रे नहीं है, या तो काला है या फिर सफेद है। मुझे पता है कि मैं सुंदर हूँ और मैं बहुत ही ईमानदार हूँ, और मेरी ईमानदारी की वजह से मेरे रिश्ते जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। ये मैं हूँ, इसे ले लो या इसे छोड़ दो। मनीषा रानी, मनीषा रानी एक डिजिटल क्रिएटर हैं, डांसर और आर्टिस्ट हैं। वो कहती हैं कि बिग बॉस OTT 2 के घर में सभी को उनसे प्यार हो जाएगा। पलक पुरसवानी, अविनाश सचदेव की एक्स और एक्ट्रेस पलक पुरसवानी भी बिग बॉस OTT 2 में नजर आएंगी। वो शो के लिए पहली कंफर्म नामों में से एक रही हैं। वो इंट्रो में कहती हैं कि अगर मुझे समय पर कॉफी नहीं मिली तो मैं फ्लिप कर जाऊंगी। साथ ही वो कह रहे हैं कि हर साल घर में गुड लुकिंग लड़के आते हैं, मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ का ध्यान भटकाऊंगी। बिग बॉस OTT 2 में एक यूट्यूबर, दुबई की एक मॉडल, एक RJ और एक एक्टर, ये भी वायरल सेंसेशन नजर आएंगे। इनके चेहरों का खुलासा अभी फिलहाल नहीं किया गया है, लेकिन उनका जो रॉक सॉलिड इंट्रो है इस बात का ये सबूत है कि वो शो में खुद को दिखाने का मौका नहीं चूकने वाले हैं। इसके अलावा अंजलि अरोड़ा, आवेश दरबार के नाम भी इस बार चर्चा में बने हुए हैं। दोस्तों, आपका कंफर्म कंटेस्टेंट कौन है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही टीवी शोज और टीवी शोज से जुड़े स्टार्स की गॉसिप की हर खबर से अपडेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।